हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और दो हफ्ते पहले एक इंसिडेंट हुआ है दिल्ली में, गुड़गांव में शायद, एक रेस्टोरेंट में एक आंटी ने कुछ इनअप्रोप्रिएट कमेंट किया। कुछ ग्रुप ऑफ गर्ल्स जो कि बैठी थी, हाँ, उसमें से उन्होंने एक लड़की को शी सेड समथिंग अबाउट लाइक रेप हर, क्योंकि उसने छोटा ड्रेस पहना था और आंटी बहुत ही ज्यादा वायरल हो गई थी। हाँ, बहुत ही बबाल मचा था। अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस पे वीडियोस सपोर्ट किया था, जो लड़कियों ने वो वीडियो बनाया था, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने सपोर्ट किया था, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया था। और दूसरी तरफ कुछ लोग थे जो मतलब द वे उन्होंने आंटी को एपोलॉजी के लिए बोला, उनको कुछ लोगों को वो भी गलत लगा कि ऐसे वीडियो नहीं छोड़ना चाहिए। एंड बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे उनको कमेंट करने लगे, लाइक इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के पे। एंड फेसबुक पे जब वो वायरल आंटी ने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर लिया, फिर उनके हस्बैंड के अकाउंट में जाके उनको भी गाली गलौज करने लगे, तो अब फिर उनके हस्बैंड ने वो अकाउंट डीएक्टिवेट कर लिया। तो यहाँ पे और एक चीज भी है कि कुछ यूट्यूबर्स ने, जो छोटे बड़े यूट्यूबर्स ने, इसको एक अपॉर्चुनिटी पकड़ लिया और बहुत सारे वीडियोस बनाने लगे, कुछ भी अपना बोलने लगे। तो बात यह है कि YouTube है, आप कुछ भी डाल सकते हो। YouTube ने आपको परमिशन दिया है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे। आप तो, आपको पता है कि एक चीज वायरल जा रहा है तो एक वीडियो डाल दो तो बहुत सारे व्यूज, कमेंट्स, लाइक्स और पैसा ऑब्वियसली होगा। तो हमारा ये मानना है कि एक इंसिडेंट जो हुआ है उसको प्रॉपर तरीके से समझा जाए, ना कि सुबह इंसिडेंट हुआ और रात को मैंने वीडियो बना के छोड़ दिया और वायरल चला गया तो मुझे सक्सेस मिल गया। एंड और भी चीज है, दुनिया में हर तरह के लोग हैं, तो कुछ लोग डिफरेंट मैनर्स मतलब अप्लाई करते हैं कोई भी चीज को हैंडल करने के लिए। कुछ लोग अग्रेसिव वे में करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि बैठ के बात करने में ही वो सॉल्व हो सकता है। और आंटी ने जो किया वो किया और बहुत ही गलत था, बहुत ही गलत बात है। लेकिन उनको इतना भी हरास मत करना कि वो जाके आगे ऐसा कुछ कर ले जो कि बाकी सब लोग रिग्रेट करने लगे। तो इसको सेंसिबल वे में हैंडल किया जा सकता है, जो कि जिन्होंने फेस किया है वो लोग करेंगे। एंड सपोर्टिंग देम इज वन थिंग, एंड एडिंग फ्यूल टू फायर इज वो भी है। लेकिन एक चीज हम दूसरी तरफ ये भी देख सकते हैं कि कोई भी चीज, किसी के साथ कोई इंसिडेंट होता है तो जिसपे वो होता है, जिसके साथ वो होता है, सिर्फ उसी को ही वो पेन पता होता है। तो मे बी उस टाइम वो लड़की को उतना गुस्सा आया होगा, इसलिए शायद उसने वीडियो बनाया होगा, मे बी समथिंग लाइक दैट। लड़की ने तो वीडियो बनाया इस फाइन में, बोल रहा हूँ कि जो सब जो लोग, हाँ, ऐसे बोलते ना बहती गंगा में हाथ धो लेना, तो इट्स लाइक दैट। तो पॉइंट ये है कि मुद्दे पे आते हैं कि एक वी आर युवा करके एक यूट्यूब चैनल है जो कि वो कुछ यंग जनरेशन के कुछ लोगों ने बनाया है। एंड एक ओपन लेटर आंटी के लिए है उनके तरफ से, और कितना सेंसिबल वे में वो लोगों ने ये बात को कन्वे किया है, वो देखते हैं कि कैसे उन्होंने वायरल आंटी को मतलब आंसर किया है। तो चलिए हम देखते हैं वो वीडियो। चलिए। डियर आंटी, डियर आंटी, डियर आंटी, हम थक गए। लाल लहंगा पहनो, कितनी लाउड लगी। लाल लहंगा पहनो, कितनी बड़ी हो गई हो। लड़कों के साथ इतनी चिपक चिपक के क्यों बात करते हो? भाई साथ में है ना, फालतू में क्यों डरती हो? टॉप थोड़ा ऊपर करो, ब्रा स्ट्रैप्स दिख रहे हैं। स्कर्ट थोड़ा नीचे करो, घुटने दिख रहे हैं। ऑफिस से इतना लेट आती हो, ना जाने किस किस के साथ सोती हो, और फिर रेप हो जाए तो पूरे इंटरनेट पे रोती हो। कहीं भी जाओ तो पर्स में फुल्ली चार्ज फोन। दोस्तों से भी मिलना हो तो उसमें भूलता है कौन? निकलते हुए हर बार लाइव लोकेशन शेयर। चलो टुडे वाज बेटर, अगर दिन में मिले सिर्फ एक ही स्टेयर। ऑटो में रेव्यू मिरर की टेंशन, ऑटो ड्राइवर का अननेसेसरी अटेंशन, क्यूट टांगों में अक्यूट एंगल का प्लेसमेंट, बाजुओं का यूज एज शील्ड का रिप्लेसमेंट। थक गए हैं खुद को बदल बदल कर, दूसरों की नजर से संभल संभल कर। थक गए हैं ऑनलाइन बुक बनकर और ऑफलाइन गली में डरपोक बनकर। थक गए हैं सेफ्टी हमारी चुन चुन कर और प्रिकॉशंस तुम्हारे सुन सुन कर। थक गए। 20 ways to be safe for women. 10 self-defense moves you need to know for women. 5 ways to ignore trolls for women. And then there's this one comment you make on women. आंटी, गलती सिर्फ आपकी नहीं, हम समझते हैं। आप भी कभी वही लड़की थी जो अपनी जिंदगी खुल के जीना चाहती थी, जिसे हाई वेस्ट स्कर्ट पर नहीं डीप नेक ब्लाउज पे जज किया जाता था, जिसको 10 steps to be the perfect girlfriend के आर्टिकल्स नहीं बट पति परमेश्वर की सती सावित्री बनने की कथा कुंजी पढ़ाई जाती थी। We are sorry कि आपको घर लेट आने की नहीं, घर से निकलने की ही लड़ाई लड़नी पड़ती थी। We are sorry कि इस जनरेशन गैप को हम कभी अनगैप ही नहीं कर पाए। We are sorry कि आज भी रेप की वजह आपको कपड़ों की लेंथ लगती है।
और हमारी सेल्फ डिफेंस ही हमारी स्ट्रेंथ लगती है। वी आर सॉरी कि रेप की वजह वो नहीं हम हैं। यहाँ कंडीशन नहीं, कंडीशनिंग की ही प्रॉब्लम है। वी आर सॉरी दैट ये यू वर्सेस अस हो गया। चलो लड़ाई बंद करें, अब बस हो गया। चलो आप और मैं बैठ के एक बार बात करते हैं। ये रेप के कमेंट भी नहीं, इस रेप के कल्चर से ही लड़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो रेलेवेंट लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू युवा ऑन ऑल सोशल प्लेटफॉर्म्स। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। सो वी आर युवा एक बहुत ही अच्छा मैसेज कन्वे कर रहे हैं। इट्स लाइक यू नो कैसे काम कंपोज वे में उन्होंने समझाया, नॉट ओनली फॉर वायरल आंटी, मतलब दुनिया भर में, इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे वायरल आंटी अंकल और अपने एज ग्रुप के भी लोग हैं who think कि छोटे कपड़े पहनने से ही रेप होता है। So, जो भी लोग you know, कूद पड़े मतलब आग में कि उन्होंने गलत किया और आंटी का रेप होना चाहिए this that, मैं एक चीज सोची कि यही लोग उन्हीं के सामने लड़की का कुछ मतलब लड़की के साथ कुछ छेड़खानी हो रहा होगा ना, वो उठ के नहीं जाएंगे उसको ये कर बचाने के लिए। और एक चीज भी है कि उनके क्या उनके फैमिली में सब यू नो उन्हीं के तरह सोचते हैं, या फिर यू नो एक प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में ये शायद कि मतलब एक कल्चर बन गया, जैसे कि वीडियो में बोला गया कि रेप कल्चर ये वो और यू नो जेनरेशन गैप, तो एक समझ की यू नो चेंज है कि हम पहले ऐसा होता था अभी ऐसा होता है, तो वो एक समझ की गैप है जिसको जो कि दोनों तरफ से होना चाहिए, मतलब उनके एज ग्रुप को भी हमारे एज ग्रुप को भी। तो जो भी प्रॉब्लम हुआ जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसको एक सेंसिबल वे में हैंडल किया जा सकता है। और सबको ये रिक्वेस्ट है कि आप यू नो बिना सोचे बिना समझे ऐसे ही कूदना पड़ो, वीडियो में व्यूज हो जाएंगे पैसे कमा लोगे, लेकिन जो मैसेज कन्वे कर रहे हो वो हमेशा ऑनलाइन ही रहेगी और कभी भी बैकफायर कर सकती है आपको। एक यूट्यूबर है, मैं नाम नहीं लूंगी, उन्होंने भी एक वीडियो बनाया था जब सब यूट्यूबर्स एक तरफ थे सपोर्टिंग जो भी कुछ हुआ, एंड और एक दूसरा यूट्यूबर था जो कि दोनों तरफ का बात समझा, आंटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वो लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था। तो समझ की बात है और यू नो सेंसिबिलिटी की बात है कैसे हम अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और मैसेज पहुंचाते हैं, क्योंकि आपका वीडियो वायरल हो गया कल को तो ये एक लाखों लोगों के पास पहुंच गया और उनके यू नो अफेक्ट का था उसके दिमाग में। आंटी ने जो अपोलॉजी किया तो क्या पता उनकी सोच बदली होगी कि नहीं बदली होगी, उस वजह से किया कि इतना सारा उनको नेगेटिव कमेंट्स आए और उनके फैमिली के ऊपर वो असर किया, इसलिए यू नो प्रेशर में आके उन्हें अपोलॉजी उनको करना पड़ा, मे बी वो भी हो सकता है। तो यही मैसेज आपको कन्वे करना था और यू नो मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये वीडियो आपको आपके तक पहुंचाना था, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा और इसको थोड़ा रिएक्ट करके थोड़ा समझा के और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रख के इसको समझाना था। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो बताइए कमेंट सेक्शन में, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर योर टाइम एंड यू हैव ग्रेट डे।